क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। पापा माँ, रोहित का फोन आया था, एक बहुत अच्छी खबर है, हमारे गांव की जमीन बिक गई। अच्छा, रोहित ने कुछ कहा कितने में बिका? अरे जितना हमने सोचा था ना, उससे 50 गुना ज्यादा में बिकी है। 50 गुना? भगवान का लाख लाख शुक्र। यामिनी, सुचित्रा, ये तो बहुत खुशखबरी है, अब ना एक नया बड़ा सा घर ले लेते हैं। घर? पापा बंगला खरीदेंगे। अरे बहुत हो गया ये रुके सुखे में जीना, अब तो पैसे में खेलने के दिन आए हमारे। तुम एक काम करो, पहले मंदिर में जाके दिया जला लो और अच्छा सा प्रसाद बना लो, सारे गांव में बांटेंगे। जी मम्मी जी, अभी बूंदी के लड्डू बनाती हूँ। प्यारा लग रहा है घर हमारा। हाँ, ये बच्चों ने सजाया पूरा ऊपर चढ़ के। मम्मी जी एक बार देख लीजिए। अरे बहुत अच्छा। नान, आपने खाना बनाने वाले को कितने बजे बुलाया है? 1:30 बजे, तुम्हें तो कहा था। और चिंता मत करो, किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। ये, अरे कोई मदद करो भाई से। अरे देखना 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 देखना। अच्छा जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा ये मेरा बेटा आज राजकुमार जैसा लग रहा है। सही लग रहा हूँ ना? पापा अब तो आपका छोटा बेटा भी घोड़ी चढ़ने जा रहा है। अरे भैया, जो घोड़ी चढ़ते हैं बाद में गधे वही बनते हैं। इसकी एक बार शादी हो जाने दीजिए, इसको आटे दाल का भाव पता चलेगा। अरे नहीं नहीं भाई, इस परिवार में ऐसी शिकायत कोई नहीं कर सकता। हाँ। अरे दो दो बहू लाए हम और दोनों एक से करेंगे। वैसे देवर जी, आपकी महारानी आई नहीं और उससे पहले आप ही आ गए। सही बोल रहे हो भाभी, हमारे देवर जी ना बड़े उतावले हो रहे हैं। सुचित्रा भाभी और यामिनी भाभी, देखिए ऐसा है कि महारानी की एंट्री हमेशा एंड में होती, बाकी का जो काम है वो आप दासियां निपटा लीजिए। अच्छा देवर जी, अभी तक तो आपकी सगाई भी नहीं हुई और हमें दासियां बना दिया। आपकी कृतिका महारानी और हम दासियां। वैसे मम्मी जी, आपकी लाडली बहू है कहाँ? कृतिका, इतनी सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लग जाए। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी। अंगद ने कुछ कहा? क्या हुआ मम्मी जी? हमें नहीं पता कि हमारे माँ बाप कौन है, पर उन्होंने हमें क्यों छोड़ दिया? हमें कोई कमी होगी ना जो उन्होंने हमें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी तुलना तो किसी से नहीं हो सकती। रूप गुण सबकी धनवान हो तुम, तुमने खुद से खुद को बनाया है। लेकिन आपको पता है, जब भी ना हमारी किसी सहेली की शादी या सगाई होती थी ना, तो कहीं ना हमें उनसे बहुत जलन होती थी। जब उनकी माँ उन्हें अपने हाथों से तैयार करती थी, तो ऐसा लगता था जैसे उन्हें अपनी नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद दे रही हो। और एक हमें देखिए, नया लहंगा खरीदा है लेकिन माँ का आशीर्वाद ही नहीं है। एक मिनट, ये लो। ये क्या है मम्मी जी? आशीर्वाद। ये हमारी माँ की साड़ी है शादी की, और उन्होंने हमें हमारी शादी पर दी थी। बहुत सुंदर है। आज से हम तुम्हारी होने वाली सास नहीं माँ है, और तुम्हारा कन्यादान भी हम ही करेंगे। बहुत प्यारी लग रही है। इसने ये पुरानी साड़ी क्यों पहनी? लहंगा तो लिया था इसने। अरे कोई मामूली साड़ी नहीं है ये, प्योर बनारसी सिल्क पे सोने के तार से काम किया है। आज लेने जाओगी ना तो कम से कम 1-1.5 लाख की मिलेगी। अरे वाह, कृतिका को तो इस घर में आने से पहले ही ये साड़ी मिल गई। ऑफ कोर्स। बहू बेटा रसम शुरू करो। जी मम्मी जी।
अच्छा इतनी जल्दी? हेलो, 3 महीने से दवाई दे रही हूँ, दवाई का कुछ भी असर नहीं हो रहा है। दवाई चेंज कर देते हैं या फिर कुछ और करते हैं? ये दवाई ही ऐसी है, धीमे जहर की तरह काम करेगी। ठीक है। हेलो, मिस कर रहे हम तुम्हें बहुत। हम भी। तो मिलने आ जाते हैं? अभी हम कोर्ट आए हैं केस की सुनवाई के लिए। हाँ तो वहीं मिलने आ जाते हैं हम। आ जाओ। अरे अंगद, रितिका से फोन पर रोमांस करना बंद करो और आके नाश्ता करो। अच्छा चलो, हम बाद में कॉल करते हैं, बाय। हाँ जी, हम बैठ गए आराम से। और हम तो कब से आराम से ही बैठे हैं आजकल। पापा, आपने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की है ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके, अब तो आपको आराम करना ही चाहिए। और पैसा पूंजी सब है हमारे पास। हमारी असली पूंजी तो आप सब लोग हो। कभी कभी डर लगता है मुझे हमारे घर को हमारी नजर न लग जाए। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो चलो, नाश्ता करो नाश्ता। पापा जी, आपका कम मक्खन वाला ब्रेड। क्या हुआ, कुछ अटक गया क्या? पापा जी पानी लीजिए। गले में अटक गया क्या? पानी लाना। डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, हम अभी फोन करते हैं। सुबह नाश्ते के वक्त उन्हें उल्टी हुई थी, उसके बाद पूरा दिन वो आराम ही कर रहे थे, पर अब अचानक से क्या हो गया पता नहीं। डॉक्टर साहब, पापा को क्या हुआ? इन्हें दिमागी दौरा पड़ा। इनके सर पे कोई चोट तो नहीं लगी थी? नहीं। देखिए, थोड़े दिन इन्हें निगरानी में रखना हो, कुछ टेस्ट है मैं लिख देता हूँ। भाभी, आपने चाय में क्या मिलाया है? कुछ नहीं, हमने अभी अपनी आंखों से देखा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे और अपने लिए ही कर रहे हैं। हम समझे नहीं। हम ये दवाई पिछले 3 महीने से पापा जी के खाने में मिला रहा है। लेकिन आप ऐसा कर क्यों रही हैं? ताकि पापा जी पागल हो जाए। क्या क्या कर रही है? इधर आ। देख, होशो आवाज में मुझे और तुम्हें तो कुछ मिलने से रहा दिखा नहीं। गांव की जमीन बेचकर इतना सारा पैसा लाके घर में रखा है, क्या मिला तुझे? बस सारा दिन इस घर में बैठे रहो और नौकरानियों की तरह काम करते रहो। अंगद उस दिन सही कह रहा था, हम इस घर की दासी हैं और तू भी। ठीक कह रही हो भाभी, जान तो हमारी भी जलती है। हमने उनसे कई बार बोला कि अलग हो जाते हैं, लेकिन ये है कि हमारी सुनते ही नहीं। अलग होके क्या करेगी? लोग ताने मारेंगे, कहेंगे ठीक से बहुओं ने बुट्टे बुट्टी का ध्यान नहीं रखा। तूने देखा नहीं, कृतिका के आते ही मम्मी जी ने कैसे अपनी पुश्तीनी साड़ी दे दी। क्यों भाई,
हम बहू है नहीं है, हम शादी करके नहीं आए, लेकिन नहीं, हमें तो आज तक कुछ नहीं मिला। वो तो है, जिस दिन कृतिका इस घर में बहू बनकर आ जाएगी ना, हमारी हालत नौकरानियों से भी बदतर होने वाली है। क्योंकि बाबूजी को तो कृतिका बहुत पसंद है, क्योंकि वो अनाथ है, ऊपर से वकील और बाहर जाके काम भी करती है। किसी दिन बाबूजी ने अपना सब कुछ उठा के उसके नाम कर दिया ना, इसीलिए हमें हमारा हक चाहिए और हम वो लेकर रहेंगे। लेकिन उसके लिए हम और 20-30 साल इंतजार नहीं करेंगे। अरे ये सब हमें बुढ़ापे में मिल भी गया तो उसका क्या फायदा? बात तो सही कह रही हो आप। तो जो हम कर रहे हैं कर लेते। पापा जी, ये रही आपके बिना शक्कर वाली चाय। जी देखो बेटी। अब कैसी है आपकी तबीयत? क्या कर रही हो बेटी? करने दीजिए ना पापा जी, हमें अच्छा लगता है। मनोहर और कावेरी ने सुचित्रा और यामिनी को बहू की तरह नहीं बेटी की तरह माना था, लेकिन सुचित्रा और यामिनी उनके साथ एक अमानवीय अपराध कर रही थी। किस लिए? सिर्फ पैसों और जायदाद के लिए, जो कि आगे चलकर उन्हें ही मिलने वाला था। लेकिन लालच इस कदर उन पर हावी हो गया था कि उनसे इंतजार ही नहीं हो रहा था। आखिर ये लालच उन्हें किस हद तक लेके जाने वाला था और क्या करने वाले थे ये दोनों मनोहर और कावेरी के साथ? पापा, काम की चिंता आप मत कीजिए, काम हम लोग संभाल लेंगे। पापा जी, आपकी दवाई। बेटा रख दो ना, मैं ले लेता हूँ। पापा, इन दवाइयों से आपकी तबीयत तो ठीक हो रही है ना? हाँ बेटा, आप पहले से ठीक। ठीक तो आप कभी भी नहीं होंगे। अरे आ गए तुम लोग? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा, आओ ना बैठो, बैठो। पापा, आपने हमें अचानक कैसे बुलाया? कुछ काम था? कावेरी जी, दोनों बहुओं के साथ आ जाओ, हमने एक फैसला लिया है। तो कृतिका बेटा, तुम भी अब इस परिवार का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें भी सब पता होना चाहिए। वो हमारी तबीयत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, न जाने कब ऊपर से बुलावा आ जाए। पापा कैसी बात कर रहे हैं आप, कुछ भी कह रहे हैं। पापा आपको कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, मुझे पता है, इसके इतने प्यारे बच्चे हो, उसे क्या हो सकता है भला। तुम सबने जिंदगी भर मुझे से प्यार दिया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम भाइयों में प्यार जरा भी कम हो, किसी भी हालत में नहीं। इसलिए हमने हमारा हिस्सा बांट दिया है। आज से हमारी जमीन जायदाद सब तुम सबका, तुम ही संभालो इसे। इसकी क्या जरूरत है पापा? पापा ये सब आपका है और आपका ही रहेगा। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। लेकिन माँ, पापा ने ऐसे अचानक सब कुछ हमारे नाम कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। हमारे लिए तुम सब हो ना, और फिर कागज पर किसी का भी नाम रहे, है तो सब कुछ इस परिवार का ही ना।